नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केवल जीरो यूनिट सोल्ड 8 इम्पॉर्टेंट कार्स मई 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। इस पूरी लिस्ट में दोस्तों मैंने हम उन्हीं गाड़ियों को इंक्लूड किया है जिनके नाम हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं, जिन्हें हम हमेशा हमारे सामने देखते हैं। वरना तो इस लिस्ट में कई सारी गाड़ियां इंक्लूड हो सकती थी, जैसे कि मैं फोर्ड की मस्टैंग या फिर टोयोटा की प्राडो को भी इसमें इंक्लूड कर सकता था। इस वीडियो में जो भी प्राइसेस में कोट करूंगा दोस्तों वो केवल एक शोरूम प्राइसेस हैं। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं मई के महीने में एक भी यूनिट ना बिकने वाली 8 इम्पॉर्टेंट गाड़ियों के बारे में और उसके रीजंस के बारे में आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। इस लिस्ट में पूरे भारत में 8वें पायदान पर आई है दोस्तों होंडा की जैज। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की एक भी यूनिट नहीं बिक पाई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको लगभग 8 लाख रुपए से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 7वें पायदान पर आई है महिंद्रा की TUV 300। मई के महीने में इसकी भी पूरे भारत में एक भी यूनिट नहीं बिक पाई है। ये गाड़ी एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 8,55,000 रुपये से शुरू होकर 10,55,000 रुपये तक की मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इस लिस्ट में पूरे भारत में 6वें पायदान पर आई है दोस्तों मारुति की एस क्रॉस। मई के महीने में पूरे भारत में एस क्रॉस की एक भी यूनिट नहीं बिक पाई है। ये गाड़ी पहले डीजल में अवेलेबल हुआ करती थी, लेकिन अब मारुति इसे केवल पेट्रोल में लॉन्च करेगी। तो जल्द ही इसका हमें नया वेरिएंट केवल पेट्रोल इंजन के साथ में देखने को मिलेगा। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको लगभग 9 लाख रुपए से शुरू होकर 12 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 5वें पायदान पर आई है दोस्तों रेनो की कैप्चर। मई के महीने में पूरे भारत में कैप्चर की एक भी यूनिट नहीं बिक पाई है और इस गाड़ी के लिए ये बहुत ही बड़ा बैड लक है। बहुत ही बेहतरीन कार है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार नहीं बिक पाती है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,50,000 रुपये से शुरू होकर लगभग 13,05,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 4थे पायदान पर आई है दोस्तों महिंद्रा की मराजो। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की भी एक भी यूनिट नहीं बिक पाई है। हालांकि इस गाड़ी से महिंद्रा को बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी जब इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था, लेकिन ये उनकी उम्मीदों पर उतनी खरी नहीं उतर पाई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 10 लाख रुपए से शुरू होकर लगभग 14,75,000 रुपए तक की मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इस लिस्ट में पूरे भारत में 3रे पायदान पर आई है दोस्तों टाटा की हेक्सा। मई के महीने में पूरे भारत में हेक्सा की एक भी यूनिट नहीं बिक पाई है। हेक्सा वैसे तो बिल्ट लाइक अ टैंक और बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। इसके कई सारे एग्जाम्पल और कई सारे एक्सीडेंट में बचे हुए पैसेंजर्स के वीडियोस आप ऑलरेडी यूट्यूब पर देख चुके होंगे। बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है ये गाड़ी, उसके बावजूद मई के महीने में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिक पाई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको लगभग 13,70,000 रुपये से शुरू होकर 19,30,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 2रे पायदान पर आई है दोस्तों ह्यूंडई की टुसों। मई के महीने में टुसों की पूरे भारत में एक भी यूनिट नहीं बिक पाई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको लगभग 18,77,000 रुपये से शुरू होकर 26,98,000 रुपये तक की मिल जाती है। अब बढ़ते हैं लिस्ट के आखिरी पड़ाव में और जान लेते हैं नंबर 1 के पायदान पर कौन सी गाड़ी आई है। दोस्तों इस गाड़ी का नाम लेते हुए मुझे बेहद ही बुरा लगता है, बहुत ही अफसोस होता है, बहुत ही दुख होता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन कार है। इस लिस्ट में पूरे भारत में नंबर 1 के पायदान पर आई है दोस्तों महिंद्रा की अल्टोरस G4। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की भी एक भी यूनिट नहीं बिक पाई है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 28,70,000 रुपये से शुरू होकर लगभग 31,70,000 रुपये तक की मिल जाती है। इनमें से 90% गाड़ियों का ना बिकने का एक ही रीज़न है दोस्तों, कि इन गाड़ियों का
BS6 वेरिएंट जल्द ही आने वाला है। इन गाड़ियों के अलावा भी और भी कई गाड़ियां थी, लेकिन मैंने केवल उन गाड़ियों को यहां पर इंक्लूड किया है जिन्हें हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नाम इनका सुनते रहते हैं और हमेशा सामने देखते हैं। तो कुल मिलाकर ये थी वो 8 इम्पॉर्टेंट गाड़ियां जो मई के महीने में एक भी यूनिट नहीं बेच पाई हैं, इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।